कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता है, तबीयत से पहले एक पत्थर तो उछालो यारो। 10+2 के एग्जामिनेशन में 500 जो मार्क्स के एग्जाम होते हैं, 445 अंक लाई है, और इनका जो फैकल्टी है साइंस है, और पीछे आप देख सकते हैं सारे सर हैं और हमारे दोस्त भी हैं। तो अब थोड़ा सा बस थोड़ी सी हम बातें करेंगे अर्चना से और जानने की कोशिश करेंगे आखिर 445 मार्क्स लाना हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा कि क्या टेक्निक है, क्या तरीका है स्टडीज़ करने का, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो अर्चना सबसे पहले एक छोटा इंट्रोडक्शन दो अपना, एक छोटा सा परिचय। मेरा नाम अर्चना कुमारी है और मैं भगवानपुर पढ़ने जाती हूँ। मेरे मैथ के टीचर विकास यादव हैं और मैं इंग्लिश नॉलेज सर के पास और केमिस्ट्री रंजीत सर के पास पढ़ती थी। अच्छा, ये बताओ कि 445 अंक लाई, जब एग्ज़ाम देकर वापस आई तो क्या आपने सोचा था कि इतना मार्क्स आ जाएगा? हम जोड़ते थे तो इसे 40-50 के बीच में आता था नंबर, लेकिन ये नहीं पता था कि जिला में नाम आएगा। अच्छा, ये नहीं पता। अच्छे, पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। अच्छा, और मेडिकल का दुकान है। मम्मा, माँ क्या करती है? वो हाउसवाइफ है। अच्छा अर्चना, एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे 445 अंक लाई है तो ये इतना अंक लाने के पीछे राज क्या है, तुम्हारे पढ़ने का तरीका, या क्या कुछ आपके फ्रेंड्स भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह के तुम स्टडी की इतना मार्क्स आया तुम्हारा? जो टीचर बताते थे वही हम पढ़ते थे, जो नोट्स हो गया, जो टेस्ट हो गया, उसको दोबारा से आके सॉल्व करना घर पे, देखना कि कहाँ गलती किए हैं, उसको सुधारना। एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए कि बहुत बच्चे कहते हैं कि नहीं, जैसे ज़्यादा मार्क्स आने के लिए बहुत घंटा पढ़ना पड़ता है, 8 घंटा 12 घंटा 14 घंटा पढ़ना पड़ता है, और कहते हैं कि भाई नहीं कहते कि किताबी कीड़ा बनना पड़ता है, आप क्या मानते हो, या घंटा पे डिपेंड है किताबी कीड़ा कुछ कि कुछ और है अच्छा मार्क्स आने के लिए? घंटा पे डिपेंड नहीं है, आप जितना भी पढ़े, जितना भी घंटा पढ़े, आप उसको फोकस से पढ़े, ये समझ में आना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, दोबारा उसको याद आना चाहिए। अच्छा अर्चना, अभी सुने हैं कि भाई यहाँ बातें हो रही थी कि अर्चना पढ़ने में बचपन में तेज नहीं थी, तो आखिर अर्चना को वो कौन से टर्निंग पॉइंट आया, वो कहाँ से इंस्पायर्ड हुई, कहाँ से प्रेरणा मिली या पढ़ने का शौक जगा? हम बचपन में अच्छा नहीं थे पढ़ने में, जब हम 7-8 में थे तब टीचर बहुत मोटिवेट करते थे, उसके बाद जब 9th में गए तो उस समय तो लॉकडाउन ही था, उसके बाद जब 10th क्लास में गए तो विकास सर के कोचिंग लॉके स्टडी पॉइंट, जिसमें विकास सर, विकास भैया और मंटू सर पढ़ाते थे, तो उन लोग का पढ़ाने का तरीका देखकर मुझे लगा कि ये अच्छा पढ़ाते हैं तो अच्छा रिजल्ट भी होना चाहिए, और इसीलिए ओ अच्छे। एक बात और देखा जाता है कि जैसे घरों में क्या होता है, मम्मी पापा बच्चों को डांटते हैं, ए पढ़ती नहीं है, दिन भर खेलती है या दिन भर इधर उधर घूमती है, क्या आपको ऐसा चीज़ों का सामना करना पड़ा क्या? नहीं, हमारे घर पे उल्टा ही होता था। अच्छा, उल्टा ही होता था। मतलब पापा जी या माँ मतलब बोलते थे कि तुम ज़्यादा मत पढ़ो, आँख खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। अच्छा अच्छा, उल्टा काम, मतलब पढ़ने से लोग मना करते थे। तो अर्चना, अब तो 445 10+2 में, तो अर्चना का मतलब आगे ड्रीम्स क्या है, क्या अब करना है आगे? हम एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। और मैं बताते चलूँ कि ये सडिहा जो ये सिवान जिला में, सडिहा ये भगवानपुर प्रखंड में पड़ता है, तो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है कि लड़कियाँ हैं भाई 10+2 कर ली, अब बड़ी हो गई, चलो इसको शादी कर दिया जाए, अगर इस तरह का तुम पे प्रेशर पड़ता है तब क्या करोगे? हमको विश्वास है कि मेरी फैमिली सपोर्टेड है और ऐसा नहीं होगा कभी। और गांव में जो हालत है, हर कोई लड़की को नहीं पढ़ाना चाहता है, लेकिन मेरे फैमिली मुझ पर भरोसा किया, मुझे पढ़ाने के लिए इतना दूर भेजते थे, तो मैं विश्वास करती हूँ कि उनको कुछ अच्छा ही दूंगी। अच्छा, क्या बात है। और मैट्रिक में कितना अंक लाए थे? 461 मैट्रिक में भी था। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुआ है तुम्हारा? प्राइमरी एजुकेशन में विवेकानंद में पढ़ती थी। अच्छा अच्छा, वहीं पे 1 क्लास से 8 क्लास तक पढ़ी हूँ। उसके बाद 9th और 10th मोरा हाई स्कूल से पढ़ी हूँ।
अच्छा गर्ल्स का एक प्रॉब्लम है ऐसे, ये कि ज़्यादातर मम्मी भी यहाँ पे भी है, हमें लगता है कि मम्मी एक चीज़ के लिए डांटती होगी आपको जरूर, खाने पीने के लिए डांटती होगी, खाने में थोड़ा सा बहुत कमियां है तुमसे। जी सर वो सबको ही बोलता है। हाँ सबको ही बोलता है, ये ज़्यादातर गर्ल्स की प्रॉब्लम है कि पढ़ने में बड़ा तेज हो रही है, खाने में बहुत पीछे हो रही है। खैर कोई बात नहीं। अच्छे जो बहुत सारे स्टूडेंट तुम्हारे फ्रेंड्स हैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज करोगे, संदेश क्या दोगे, कैसे वो पढ़ के? उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी आप टीचर के पास पढ़ रहे हैं और जो नोट्स मिल रहा है, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है, उसको अच्छा से पढ़िए, दोबारा उसको घर पे आके सॉल्व कीजिए, आपको जरूर लाभ होगा। अच्छे इतने मार्क्स लाए 445, तो श्रेय किसको देंगे आप? मैं पूरे टीचर्स जो अभी तक मुझे पढ़ाए हैं और अपने फैमिली को देना चाहती हूँ। अर्चना हॉबीज क्या है, मतलब पढ़ने के अलावा और क्या चीज़ों में मन लगता है आपको? हमको ड्राइंग करना बहुत पसंद है। अच्छा ड्राइंग करना, और कुछ? और फिल्में देखना, साउथ की। साउथ की फिल्म अच्छा लगता है? क्या बात है, बहुत अच्छा। और पीछे मैं बताऊं कि हमारे दोस्त नॉलेज सर भी हैं और रंजीत सर भी हैं और विकास सर भी हैं और विकास सर अच्छे दोनों आदि विकास सर हैं। तो नॉलेज सर चूँकि हमको भी कॉल किए, इनसे बातें हुई, तो नॉलेज सर क्या आपको लग रहा था कि ये अर्चना इतने नंबर वही लाएगी? एक्चुअली सर बैच में तो लगभग 60-70 लड़कियाँ थी। जी जी। लेकिन जब से मैं इसको 11th से देखा सर, जी जी, आज जब मैं इसको पढ़ाना शुरू किया तो मेरे अंदर पता नहीं फीलिंग था एक कि इसके पास एक क्रिएटिव माइंड है। एक तो शांत रहती थी, प्लस में ज़्यादा सोशल कनेक्शन इसके पास नहीं था, और जो भी पढ़ती थी फुल फोकस के साथ पढ़ती थी। मुझे पूरा विश्वास था कि 90 प्लस लाएगी क्योंकि लैंग्वेज है, लेकिन ये पता नहीं था कि 97 लाएगी लैंग्वेज में, क्योंकि इंग्लिश में 97 लाना सर ये रियली टफ। लैंग्वेज लिटरेचर में इतने मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज होता है। तो सर क्या अर्चना के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या मतलब कि मेटोरियस ही है या इसके अंदर कुछ खूबियां था? जब हमारे यहाँ कोचिंग संस्थान में गई तो इनकी मैं कॉपी कभी कभी बहुत करीब से देखा करता था, तो लिखने के तरीके और बताने के बाद अपने भाषा में इसको क्रिएट करके बताना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और साथ में क्लास ऑफ होने के बाद एक मैंने ऐसी एक्टिविटी में देखते थे, मैंने पिटिया के पढ़ने वाला, अच्छा सर ये बता दीजिए यहाँ दिक्कत हो रही थी, ये बता दीजिए, ये मुझे बहुत खुशी होती थी, क्योंकि शुरू से ऐसे बच्चों को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो विकास सर आप कुछ यादें अर्चना के बारे में कुछ शेयर करेंगे क्या? जी बहुत कुछ बातें हैं। हाँ हाँ, बस कोई इम्पोर्टेंट बातें हो जो हमारे मतलब की जो ऑडियंस जो व्यूअर्स हैं उनको वही अच्छा लगे भाई। जी जी। हाँ। जब ये मेरे पास पढ़ने गई शुरू में, तो उस समय मतलब लॉकडाउन का दौरा चल रहा था, लॉकडाउन का ही देन था कि ये लोग मेरे पास पहुँच गए, वरना मुझे नहीं उम्मीद, मैंने मुझे ऐसा नहीं लगता है ये लोग मेरे पास पहुँचे। और ये लोग जब हमारे पास पहुँचे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जितना सोचे थे ग्रामीण क्षेत्र में मिल पाएगा, शायद उससे ज़्यादा मिला मेरे पास। पढ़ाने की तरीका जो थी शायद इन लोगों को बहुत अच्छा लगा, और इन लोगों का जो माइंड है काफ़ी क्रिएटिव। अर्चना पढ़ने में बहुत ठीक थी, जो दिया जाता था वो बनाती थी, मैथ पूरा थ्योरी बताने के बावजूद भी ये थ्योरी अपने से पढ़ती थी, और जो नहीं समझ में आता था अंडरलाइन करके लाती थी और पूछती थी, और जो दिया जाता था घर से बनाने के लिए सब बनाती थी, और सबका प्रूफिंग हम तो बताते भी हैं, जो नहीं बताते वो भी पूछते थे कि सर ये प्रूफिंग नहीं हुआ है, इसका भी प्रूफ बताइए। तो आप देख सकते हैं ना कि कहा जाता है कि जब तक आप अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली कि अच्छे टीचर्स की भी नीड्स होती है। तो सारे टीचर्स आप देख सकते हैं पीछे, किसी परिचय के ये लोग मोहताज नहीं है, कभी काफ़ी अपने अपने सब्जेक्ट में मतलब एक्सपर्ट लोग हैं। दूसरी बात है कि अभी अर्चना एक बात अहम की, ना ये नोट्स की इम्पोर्टेंस है ना गाइड की इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस है आपकी स्ट्रगल, आपका संघर्ष, आप कितने ईमानदारी से संघर्ष करते हो यह डिपेंड करता है। तो निश्चित रूप से अर्चना को यूट्यूब पे लाने का मेन जो पर्पस यही है कि हमारे गांव के बच्चे देखें कि जब ये अर्चना कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। और इस वीडियो बनाने का यही मेन पर्पस है कि इसको देखकर आपके अंदर हो सकता है कि जो आपके अंदर हिडन एनर्जी हो, छिपी हुई शक्ति हो, वो जागृत हो, और जब जगे तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। अर्चना आप मेरे चैनल पे आई, बहुत बहुत शुक्रिया।